Enjoy. Check. Enjoy. Check. Logos. Check. Logos. Enjoy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपका दोस्त हाफिज़ काशिप और आप देख रहे हैं एंड्रॉयड टेक लवर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक एप्लीकेशन पर ट्यूटोरियल बना रहा हूं जिसका नाम है रिप्लेस ऑडियो एंड वीडियो। इसमें हम कोई भी अगर वीडियो देख रहे हैं हमारे मोबाइल में आई है तो उसका साउंड हम चाहें तो अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। या मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई डिफ़ॉल्ट वीडियो पड़ी हुई है हमारी स्टोरेज में, तो हम चाहते हैं कि जो इसमें साउंड है ऑडियो का वो ये साउंड नहीं, हमारे वाला साउंड सेट जो हम इसमें सेलेक्ट करते हैं। तो इसी के ऊपर आज एक ट्यूटोरियल बना रहा हूँ मैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से फिर वही गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा एंड्रॉयड टेक लवर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो और मैं सबसे पहले तो आप सबका इस वीडियो के अंदर ही बेहद शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इन दिनों में बहुत प्यार दिया हमें, ठीक है, और हमारी हौसला अफजाई हुई। तो सोचा आज काफ़ी दिनों के बाद मैं भी आप लोगों से मुखातिब हो जाऊँ। सो ट्यूटोरियल स्टार्ट। सो फ्रेंड, ये मैं आपको इसका जो आइकन बना हुआ है ये एक बार सुना देता हूँ। हाँ जी, तो इसके ऊपर हम सिंपली डबल टैप करते हैं। यहाँ पे एक आ गया मोर ऑप्शन। अच्छा, ये एप्लीकेशन जो है वो प्रो नहीं है, तो इसके अंदर आपको मुख्तलिफ एड्स भी मिल सकती हैं, तो बहरहाल हमारा उन पर काम नहीं है, देखते हैं हम आगे। ठीक है, यहाँ पे भी फिलहाल मैं ऑफलाइन हूँ, ऑनलाइन नहीं हूँ, इसलिए मेरे पास कोई ऐड नहीं आई। इसके ऊपर हम एक फोकस बटन दिखा रहे हैं सिलेक्ट का, ये देखें, सिलेक्ट फाइल तो गेट स्टार्टेड सिलेक्ट। इसके ऊपर मैं डबल टैप करूँगा। अब यहाँ पे एक सर्च बॉक्स खुल गया है, इसमें हम चाहें तो वीडियो का नेम भी लिख के वीडियो को सर्च कर सकते हैं। और हमारे पास वैसे कुछ मुख्तलिफ वीडियोस पड़ी हुई हैं, मैं उनमें से कोई एक आध ओपन करता हूँ। ये मेरे पास एक स्टेटस के तौर पे आई है 21 सेकंड की, इस वीडियो को मैं ले लेता हूँ। ये वीडियो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है। अब आगे कुछ ऑप्शन खुल गई हैं। और दोस्तों, इसमें एक और बड़ी मज़े वाली चीज़ है कि अगर हमारी वीडियो का रिज़ल्ट थोड़ा लो है ना, लो क्वालिटी में, तो हम इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो समझ लें कि 3x640 है या 360 है, जो इस तरह मतलब 480 है, इसको हम इस वीडियो को 1080p भी कर सकते हैं यहाँ से। इसकी आगे सेटिंग्स हैं। अभी मैं यहाँ पे इसको प्ले तो कर लेता हूँ, प्ले करता हूँ मैं यहाँ से इसको। वीडियो सेटिंग ये है BTN प्ले। मैं आपको सिर्फ एक बार सुनाने के लिए प्ले कर देता हूँ। सो फ्रेंड, ये मैंने आपको यहाँ से वीडियो सुना दी है। अब आगे हमारा फोकस है, मैं आपको सेटिंग इसकी कुछ दिखा देता हूँ। अगर आप चाहें तो आप बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो छेड़ सकते हैं इनको। सेटिंग पे चलते हैं। चेंज यहाँ पे वैसे नॉर्मल सेटिंग जो पड़ी हुई है वीडियो की, जो कि मेरे पास आया है, तो उसी में है। मैं एक बार चेंज के ऊपर डबल टैप करता हूँ। अब यहाँ से हमने सिंपली एडिट बटन तलाश करना है और हमने क्या करना है, राइट टू लेफ्ट आना है एक बार स्वाइप करते हुए। ये देखें, एडिट बटन,
अब हमारे पास एक और इंटरफेस ओपन हो गया। अब मैं यहाँ से स्वाइप करता हूँ लेफ्ट टू राइट। ठीक है, डिसेबल है वीडियो, वीडियो वीडियो फॉर्मेट MP4, वीडियो फॉर्मेट MP4, फ्रेम साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट नो चेंज। यहाँ पे नो चेंज दिखा रहा है, लेकिन हम देख लेते हैं किसका फ्रेम साइज कौन सा है। फ्रेम साइज वही है जो मैंने आपको क्वालिटी के बारे में बताया था कि मिसाल तौर पे आपकी वीडियो 320x20 है या जो भी, मतलब इसमें मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मेट होते हैं। अब आप चाहें तो इसको यहाँ से 1080p पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डबल टैप करता हूँ, नो चेंज। ये इसका ओरिजिनल साइज है, यानी कि इस वीडियो का जो इसने यहाँ पे दिखा दिया। आगे एक नंबर पर करता हूँ, ये है 1080p। अब आगे मुख्तलिफ फॉर्मेट है, 720x1280p 520x1270. ये आगे मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मेट्स हैं। अब आप चाहें तो इनमें किसी बुक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल इनमें से 1080p वाला सिलेक्ट करता हूँ। 1080x1920 यहाँ पे मैंने डबल टैप कर दिया है और आई थिंक आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे वीडियो क्वालिटी ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट पे हाई है। अगर आपके पास हाई ना आए तो आप इसके ऊपर डबल टैप करके, तो दो साइज तीन होते हैं आई थिंक, लो मीडियम और हाई, तो आपने यहाँ से इसको हाई कर लेना है। अच्छा फ्रेंड्स, इसको आपने नहीं छेड़ना, क्यों? मैं यहाँ पर ये बात पाजा करूँगा, जो एडवांस यूज़र हैं वो इसको ज़रूर छेड़ सकते हैं, लेकिन हमारे ये किसी काम का नहीं है। रोटेशन, ड्रॉप डाउन लिस्ट, नो चेंज। इसको भी हमने नहीं छेड़ना रोटेशन को, वरना हमारी वीडियो ख़राब हो जाएगी। चेक बॉक्स, डिसेबल्ड, ऑडियो। ऑडियो पे बात आती है, ऑडियो कोडेक, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ऑड। ये बाय डिफॉल्ट है, इसको भी हमने नहीं छेड़ना। बिटरेट मोड। ठीक है, ऑडियो बिटरेट। ड्रॉप डाउन लिस्ट, नो चेंज। यहाँ पे आ गया नो चेंज। अब हम यहाँ से भी इसकी जो क्वालिटी ऑडियो की वो 320 प्रोफेशनल करते हैं। ये वही आप लोग हाईक्यू MP3 रिकॉर्डर इस्तेमाल करते हैं आई थिंक, तो उसमें भी 320 आता है, तो ये भी ऑडियो की कोई क्वालिटी है वो 320 पे रखते हैं हम इसको। यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन आ रही हैं, इंटरफेस ओपन हुआ तो देखते हैं। ठीक है, 32 kbps, 48 kbps, 4 of 13, 56 kbps। मैं बिना टाइम ज़ाया किए एक दो बार स्वाइप करता हूँ राइट टू लेफ्ट, तो हम इसको 320 kbps में तलाश करते हैं। 320 kbps, 13 of 13। ठीक है, डबल टैप किया, 320 kbps, ऑडियो वीडियो कॉन्फिग, ड्रॉप सैंपल रेट, ड्रॉप डाउन लिस्ट, नो चेंज। ये है सैंपल रेट, अब ये बाय डिफॉल्ट ही है, आप चाहें तो उसको बढ़ा भी सकते हैं। मैं यहाँ पे डबल टैप करता हूँ, नो चेंज। ठीक है, 4410 hertz जो है, मतलब हमारी एक अच्छी फाइल पे आता है, लेकिन इसके अंदर ये चीज़ एक और है, ये देखें। 4800 hertz, 9 of 10। ठीक है, 9600 hertz, 10 of 10। यहाँ पे 96,000 जो है वो हर्ट्स आ रहे हैं, जो कि सबसे आई मीन अच्छी क्वालिटी वाले ही होंगे। मैं इनके ऊपर डबल टैप करता हूँ, ऑडियो वीडियो कॉन्फिग, ड्रॉप डाउन चैनल, ड्रॉप डाउन लिस्ट, नो चेंज। अब अच्छा, हमें आई थिंक इसको मेरा ख्याल है छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ठीक है। अब यहाँ पे हमें बटन मिलेगा सेव बटन, डन, सॉरी सेव नहीं था, डन बटन है। डन के ऊपर मैं डबल टैप करता हूँ, ऑडियो वीडियो कॉन्फिग, एडिट। चले, ये थे इसकी सेटिंग जो मैंने करवाई है आपको। आगे चलते हैं, सेव, सेव, नेविगेट, वीडियो चेक, चेक बॉक्स, वीडियो चेक, वीडियो
अच्छा मैंने यहाँ पे ये बात बतानी थी कि हमने सेटिंग कर ली है ना, अब आगे हमने इसको सेव करना है, क्योंकि वो सेव करेंगे तो फिर ऑडियो वाला जो इंटरफेस है वो दोबारा ओपन होगा। ठीक है, चेंज था, आगे स्वाइप करते हैं। यहाँ पे आ गया चेक चेंज ऑडियो, ये मिक्स ऑडियो है। ये फ्रेंड बड़ा अच्छा आप कह लें कि ये इसमें ऑप्शन है कि एक ऑडियो की तो हम बात कर ही रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन ये मैं आपको इसके बारे में आगे चल के बताता हूँ। यहाँ पे आ गया है सिलेक्ट ऑडियो फाइल। अब मुझे यहाँ से वो सिलेक्ट ऑडियो फाइल करनी है जो मैंने इस वीडियो के अंदर डालनी है। ये यहाँ पर कुछ साउंड्स मेरे पास पड़े हुए हैं, और ये मतलब यहाँ से हम प्ले भी कर सकते हैं, इनको प्ले करके चलाएंगे, लेकिन मैं टाइम आई थिंक बचाने के लिए, क्योंकि मैंने वीडियो पे जो साउंड था वो प्ले करके आप लोगों को सुना दिया, तो मेरे ख्याल से इसको प्ले नहीं बनता, तो मैं इसको यहाँ पे डबल टैप करता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है ये। ये वीडियो का है, ये हमारी ऑडियो में किसी काम का नहीं है। यहाँ पे सिंपली सेव बटन आ गया। यहाँ पे आप फाइल नेम अपनी मर्जी से रख सकते हैं अगर आपको रखना चाहें तो। मोर ऑप्शन, ये फैंसा मैंने इसको यहाँ पे यूज़ किया था, लेकिन ये मुझे किसी काम का नहीं लगा, तो मैं आप लोगों को भी नहीं बताऊँगा। सिंपली यहाँ से हम डन बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारा प्रोसेस शुरू हो गया, और याद रहे फ्रेंड्स कि ये जितनी लॉन्ग वीडियो होगी उसके हिसाब से हम लोगों ने ऑडियो पर सेलेक्ट करना है। तमाम ये मतलब मैं सिर्फ आप लोगों को एक डेमो दिखाने के लिए इसको यूज़ किया है, तो वीडियो को ऑडियो के साथ मिलाना है। चले वो चीज़ एक और यहाँ पे मैं वाजिया बताता चलूँ कि जितनी लंबी फाइल होगी उतना इसका जो टाइम है ना वो ज़्यादा कंज्यूम होगा। अभी हमारी 21 सेकंड की फाइल थी, हम यहाँ पर देखते हैं क्या। ये देखिए 21 सेकंड की फाइल थी, तो अभी फ़िलहाल ये 44 हुआ है, तो सो फ्रेंड आपने ये सुन लिया, तो ये फाइल हमारी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर डन बटन मिलता है हमें। जी फ्रेंड, अब हमारा फिर वही सर्च बॉक्स हम खुल गए। मैं यहाँ से आपको वो वीडियो आई थिंक दिखाता हूँ जिसका मैंने साउंड चेंज किया। यहाँ पे फिर वही आ रहा है बीटीएन प्ले। अब इस वीडियो के अंदर साउंड कोई और था, लेकिन हमने चेंज किया है, मैं आपको सुनाता हूँ। ये देखें 21 सेकंड की थी, और साउंड मेरे पास फिलहाल यही पड़ा हुआ था, तो मैंने वो परिंदा वगैरह सिर्फ इस पे लगा दिया। अब फ्रेंड्स बात आती है हमारी, एक मिनट, वीडियो सेटिंग हमने बता दी आपको, चेक चेंज ऑडियो, अब यहाँ पर आता है जनाब मिक्स ऑडियो। इसके ऊपर मैं डबल टैप करता हूँ। ये मिक्स ऑडियो मैंने आपको बताया कि ये ऑडियो वीडियो के अंदर, मिसाल तौर पर हमारी कोई ऐसी वीडियो है और इसके अंदर हम चाहें कि बैकग्राउंड मतलब नहीं है, तो हम अपनी मर्जी का इस पर लगा सकें। तो यहाँ पे फिर वही सारा सिलेक्ट सिलेक्ट ऑडियो फाइल। अच्छा ये जो आप लोगों को टॉकबैक ने अनाउंस किया है रिपीट ऑडियो न्यू स्ट्रीम,
इसमें ये चीज़ है कि मिसाल तौर पे यूँ कह लें कि हमारी जो वीडियो है वो है 5 मिनट की और ऑडियो हमारे पास पड़ा हुआ है 3 मिनट का, तो इस ऑप्शन के ऊपर हम चेक लगाकर उस वीडियो के साथ इस ऑडियो को मैच कर सकते हैं। यानी कि 3 मिनट की ऑडियो जो प्ले होगी उसके बाद ऑडियो तो ख़त्म हो जाएगी, वीडियो चल रही होगी, लेकिन ये दोबारा फिर रिपीट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट पे चलता हूँ, ये देखें मेरे पास जो पड़ा हुआ है वो बेस्ट म्यूजिक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मैं इनके पीछे लगाता हूँ उसको। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको डबल टाइप किया तो ही मेन्यू आई थिंक ओपन हो गया। यहाँ पर आ रहा है ऑडियो वॉल्यूम। ऑडियो वॉल्यूम से ये होता है कि जिस तरह हम ऑडियो की मिक्सिंग करते हैं तो वीडियो के पीछे मतलब वॉल्यूम या ऑडियो के पीछे वॉल्यूम थोड़ा कम कर लेते हैं, इसका भी ये सेम ही है। डबल टैप करता हूँ इस पे। अच्छा यहाँ पे आ रहा है मेन ऑडियो ट्रैक वॉल्यूम 100% एडिट ऑडियो ट्रैक वॉल्यूम 100%, ये 100 है, हम इसको यहाँ से 40% सीप कंट्रोल, 35% सीप कंट्रोल। आई थिंक ये मैं इसको फिलहाल एडिटिंग के लिए 50 पे रखता हूँ, आप इसको चाहें तो अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फिर वही सेव बटन। डन बटन पे क्लिक करता हूँ। हमारा फिर प्रोसेस स्टार्ट हो गया, देखते हैं कितना हुआ। सो फ्रेंड ये भी ऑडियो यहाँ पर बन गई है, वीडियो सॉरी, तो इसके अंदर बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे वही सिंपली डन का बटन। अच्छा बड़ी बात मैंने आपको यहाँ पर बताई नहीं है, ये देखें ये है रिकॉर्ड बटन, और आप यहाँ से इस अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करके भी एक वीडियो के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सिंपली फिर वही वीडियो ओपन करता हूँ। यहाँ पे BTN प्ले। तो फ्रेंड ये आप लोगों ने सुन लिया कि वीडियो के अंदर बैकग्राउंड भी चल रहा है और वीडियो का साउंड भी चेंज हो गया। तो उम्मीद है ये आपको हमारे ट्यूटोरियल ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप लोगों की मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, देखते रहिए एंड्रॉयड टेक लवर यूट्यूब चैनल। Welcome to Android Tech Lovers.